आज हमारे पास स्मार्टफोन है iPhone 7। आज के मिड रेंज के फोन को किस तरह iPhone 7 पूरी डिटेल हम अपने इस पूरे वीडियो में जानेंगे, आप एंड तक बने रहिए। और नमस्कार, हम स्वागत है आपका, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं आज दिन दिन को, ये कितना यूज्ड टू है और कितना यूज्ड टू नहीं है, और आज के टाइम पे कितना स्टैंड करता है 2023 में, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप बस एंड तक बने रहिए और देखते रहिए आदित्य इंडियन। तो ये है आईफोन, रेटिना HD डिस्प्ले के साथ ही हमको मिलता है। कलर है रोजी गोल्ड है। प्रिय मित्र से कहूंगा कि इसका कवर हटाएं, हटाइए प्रिय मित्र जी। तो उससे पूछना चाहूंगा आईफोन कितने का पड़ा भाई? ये अट्ठाईस हज़ार का ठीक है। अच्छा था, अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पे इस वक्त 31,000 का है। आप देख सकते हैं आईफोन एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना। तो ये भी निकला आखिरकार मेड इन चाइना का माल, चाइना का माल है। बट जो भी है, इसको ऑन करना मेरे प्रिय मित्र ने ऑन कर दिया। रेटिना HD डिस्प्ले के साथ ये हमको मिलता है। इसमें भी A10 एप्पल की A10 बायोनिक चिप इसके अंदर हमको इंसर्ट मिलती है। टी वी है जो मैं एप्पल के साथ मिलता है, और एप्पल स्टोर है। यहाँ पे फ्रंट में कैमरा मिलता है, और इसके नीचे हमको स्पीकर, नई पुराना लाइटिंग सपोर्ट हम एंड्राइड वालों के पास तो फिलहाल टाइप सी तक आ ही चुका है। एप्पल का ये प्यारा साथ इसमें लोगो देख सकते हैं। और इसमें चलिए हम लोग यूट्यूब इसमें प्ले कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आप इसमें यूट्यूब प्ले करिए ना। अपना ही यूट्यूब पे चैनल प्ले कर दिया है, नहीं नहीं बताएंगे आप। फिलहाल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी सही है, अच्छा है। आप देख सकती हैं ठीक है, काफ़ी अच्छा अलाउड है, अच्छा है। मुझे सबका स्मूथ, अच्छा अच्छा साइज चीज़ें लगी है, काफ़ी एकदम हैंडी है। पूरा हाथ भी देखिए कवर हो जाता है आराम से, पूरा आ जाता है। और काफ़ी इसका जो बैक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, चिकना है, अच्छा लगता है। ये एडजस्ट आप देख सकते हैं साइड से, ये एकदम ऐसे राउंड है, ऐसे पकड़ने में मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, सॉफ्ट फील होता है। इस फोन को ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बनाता है। और ये अगर देखा जाए 2016 के टाइम पे, इसका ये डिज़ाइन और लुक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, अच्छा है, डिसेंट है, और एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिलती है। तो बेस्ट है अगर 2016 से कंपेयर करें तो। ये आजकल ये मार्केट में जा मुश्किल से ही आपको मिलेंगे, बट तब भी फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, दिखा रहा है खरीदने को ये स्मार्टफोन। ठीक है, अगर आपको 30,000 की रेंज में अगर आपको आईफोन चाहिए, सिर्फ आईफोन चाहिए, और डिसेंट वर्क आपको करना है, सिंपल टास्क परफॉर्म करने हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको ज़्यादा ह्यूज डिस्प्ले नहीं चाहिए, फोन ऐसे भी से मिल जाएगा बट रेंज में। बट अगर जैसे आपको अगर दादा दादी को देना है एक आईफोन, आप उनको देना चाहते हैं, तो ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट रहेगा, अच्छा है, डिसेंट एक स्मार्टफोन है। और वैसे भी इसमें एप्पल की A10 बायोनिक चिप लगी है, तो उसको भी हल्के में नहीं ले सकते, कतई जहर प्रोसेसर है, तो इसलिए टास्क तो बेहतरीन परफॉर्म हो सकते हैं। बट इसके डिस्प्ले या उसके जो बाकी ओवरऑल में एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो ये आज के टाइम पे भी 2023 में भी ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन। फिलहाल मेरा मकसद था आपको एक आईफोन 7 2016 का जो मॉडल है इसके बारे में आपको बताना, इसको डिटेल दिखाना, ये फ़ोन के बारे में बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और क्या राय है आपकी आईफोन के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।